शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। छोड़ूंगा नहीं इस रोशनी को, उसकी वजह से हमारे परिवार में दरार क्यों आएगी? भैया प्लीज शांत हो जाइए, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी श्रद्धा? दुनिया वालों की वजह से मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? और तुम रोशनी से बात करने गई थी ना, क्या वो इस घर में नहीं रहेगी? कैसे नहीं रहेगी? हाँ कुछ सोचा है तुमने? अभय मैं ये अभय तुम्हें कितनी बार समझाया कि देवी श्रद्धा के कमरे में तुम इस तरह नहीं आ सकते। खैर ये सब छोड़ो, तुम अभी बाहर जाओ, देवी माँ को भोग लगाने का समय हो गया। नहीं जाऊंगा, मेरा कमरा ही। अभय जाना तो तुम्हें पड़ेगा, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है ना तो तुम करो हमारे साथ, मगर इस कमरे के बाहर। तुम दोनों मिलके मेरा खेल खराब करने की प्लानिंग करो, ये मैं होने नहीं दूंगी। जितनी बार एक दूसरे से बात भी करना चाहोगे ना, मैं हमेशा सामने खड़ी मिलूंगी। क्या मिलेगा तुझे ऐसा अत्याचार करके? ऐसे खाना बनाने से अच्छा है तू खाना मत ही बना भाई। अरे डोसा खा के पेट भरना है, ये मिर्ची डाल के पेट जलाना नहीं है। वो जो मेरा दिल जल रहा है रोज के तमाशे से, उसका क्या भाई? अरे देख जितना गुस्सा तू ये डोसा बनाने में निकाल रहा है ना, उतना अगर दिमाग लगा के एक प्लान सोच लेगा ना तो बेहतर होगा। रोशनी को ना सबक सिखाना होगा। और कैसे? अरे हाँ भाई, सॉरी भाई। भाग हनुमान भाग। चल चल चल। अबे पहले रोशनी को यहां से भगाने दे, फिर तुझे देखता हूं। रुद्रन पानी। देवी श्रद्धा आप और जल पिएंगी? नहीं बुआ जी शुक्रिया। ये चीज अच्छा वाला कलर भी चाहिए। आज शाम 6 बजे बगल वाले पार्क में आके मिलो मुझे। देवी माँ मैं ये प्लेट किचन में रखाती हूँ। आज शाम 6 बजे बगल वाले पार्क में आके मिलो मुझसे। मिलना तो दूर अब है, मैं तुम्हें श्रद्धा के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। और श्रद्धा को तो मैं घर से निकलने ही नहीं दूंगी।
जाओ जाओ अभय, तुम वहाँ श्रद्धा के इंतजार में तड़पोगे और वहाँ मिलेगी तुम्हें मैं। बस अब कुछ और ही सेकंड की बात है श्रद्धा, फिर तुम्हारे आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी। अरे आप देवी श्रद्धा, आप कहाँ जा रही हैं? ये सारे आपके भक्त हैं और आपके दर्शन के लिए आए हैं। चलिए आइए। अभी तो मुझे बाहर जाना था, वो गरीबों में कुछ कपड़े बांट रहे थे, पर आप ये काम क्यों करेंगी? हमें आदेश दीजिए, आपके नाम पे हम कर देंगे। और इस बहाने हमें भी पुण्य कमाने का मौका मिल जाएगा। आई ना, श्रद्धा अब तुम लगी रहो इन नकली भक्तों में और मैं चाहूंगी तुम्हारे बदले अपने अभय के साथ वक्त बिताना। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। कुछ तो गड़बड़ है, दीदू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमने उन्हें अभय से मिलने से रोका। अंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्क है और पार्क में तो बच्चे खेलने गई था, तो मैं भी आ गया और अच्छे वाले अच्छे से बोला था कि आप मेरे साथ खेलोगे। तुम दोनों ने मेरे साथ खेल खेला, मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने ये खेल खेल कर मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की है। गलती से भी ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई गई रोशनी, गुस्से में हालत खराब हो गई होगी उसकी हनुमंत को वहां देख के। हाँ, उसे ऐसा लगा था कि वो मुझ पे 24 घंटे नजर रखेगी और मुझे आपसे दूर कर देगी, पर उसे क्या पता हम उसे की नजरों में धूल झोंक रहे हैं। चलो, हम जब भी एक साथ मिलकर कुछ काम करते हैं तो कमाल करते हैं। एक दूसरे की हर एक हरकत, हर एक इशारे को समझ जाते हैं कि सामने वाले की हर एक खेल को मात दे दे। तुम देखना अब कैसे रोशनी को उसी के खेल में हराते हैं। चलो ना, मेरे साथ खेलो ना। नहीं खेलना है मुझे। सबसे गंदी वाली हो तो आप, मैं सबको बोलूंगा। आप मुझे पार्क में अकेला छोड़ के जा रही हो। ठीक है, रो मत, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। बताओ क्या खेलना है और जल्दी जल्दी बताओ। अरे वाह, सबसे जल्दी तो पकड़ पकड़ खेल सकते हैं। जितनी जल्दी आप मुझे पकड़ोगे उतनी जल्दी खेल खत्म। बस इतना सा गेम है ना। हाँ, चलो चलो ठीक है, भागो भागो। गुस्सा गुस्से, पर मैंने सिर्फ आपके साथ खेलने आया था।
चलो ना फिर से पकड़ पकड़ खेलते हैं। बस मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मैं घर जा रही हूँ। प्लीज चलो ना। अच्छा इस बार धीरे धीरे भागो आप, पक्का प्लीज ना। अच्छा ठीक है चलो तुम भागो। हाँ चलो पकड़ो मुझे। बहुत हो गया मजा आता। बहुत सह लिया तुमने श्रद्धा। पहले मेरी वजह से जब मेरी याददाश्त गई थी, और अब उस रोशनी की वजह से, और उसकी वजह भी कहीं ना कहीं मैं ही हूं। नहीं अभय, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मुझसे ही इंसान को समझने में गलती हो गई और उसका नतीजा यह है कि वो रोशनी हम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे देवी बनाकर उसने मुझे आपसे दूर कर दिया। कभी कभी तो मन करता है तुम्हें इन सब तमाशों से दूर ले जाऊं कहीं। याद आता है कि कैसे पिछली बार सब लोग लाठी पत्थर लेके हमारे घर घुस आए थे। मेरे हाथ बन चुके हैं श्रद्धा। हैरानी तो मुझे उस रोशनी पर होती है, उसकी सोच कितनी खटी है। जिस अनजान इंसान का मैंने सहारा लिया, उसे डॉक्टर समझकर आपके इलाज के लिए घर लेकर आई, उसने एक ही छत के नीचे रहकर मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया, मुझे आपसे दूर कर दिया। आप है अपने ही घर में उसने मुझे कैद कर दिया। कैद तो उसे भगवान करेंगे उसी के रचाए खेल में। भगवान के नाम पे बहुत घटिया खेल खेलने का शौक है ना उसे। अब देखना तुम श्रद्धा, उसी के काले कर्मों से उसी का मुंह काला करेंगे। अच्छा बेटा मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो एक काम करते हैं, हम लुका छुपी खेलते। हाँ चलेगा। मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगी और आप मुझे ढूंढना, ठीक है? बहुत शौक है ना मेरे साथ खेलने का। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें असली खेल क्या होता है, फिर बाद में उस अभय और श्रद्धा को देखूंगी। अब मैं आपको घुमा रही हूँ, ठीक है? चलो घूमो 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 घूमो। इधर हूँ मैं। पकड़ो मुझे, मैं इधर हूँ। भागो भागो मैं आ रहा हूँ। भागो मैं आ रहा हूँ। कंजू वाली आंटी आप किधर हो? कंजू वाली आंटी
अचानक इन्हें क्या हो गया? अब सही कह रही है भाभी, हमने भी पहले इन्हें ऐसे कभी नहीं देखा। नाटक बंद करो और सच सच बताओ, कहाँ है हनुमान? हनुमान तो मैं पास के पार्क में खेल रहे थे, उसको भूख लगी तो मैं उसके लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी। मैंने उसको बोला कि मेरा यही पार्क में इंतजार करे, लेकिन पता नहीं वो कब मेरे पीछे आ गया और गाड़ी के नीचे। मुझे हनुमंत को भेजना ही नहीं चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे मजबूर किया। अभय नहीं, ये लड़की इस लायक भी नहीं किसके लिए तू अपने हाथ गंदे करे। शांत हो जा भाई, छोड़। बच्चे को देखा? कुछ 7 या 8 साल का होगा, थोड़ा गोल मटोल सा है। मैंने तो नहीं देखा, पर अभी कुछ देर पहले ही बाहर सड़क पे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। हनुमान, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा हनुमान को। तू देखना, अभी थोड़ी देर में श्रद्धा आ जाएगी, उसे सही सलामत वापस लेके। शांत हो जा। तुम अकेली क्यों आई हो? हनुमान कहाँ है? तुझे कुछ हो तो नहीं गया? हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम।
जय बजरंगी जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री राम। घर वापस कैसे आया, वो भी जिंदा? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप कहाँ थे अभी तक? आपको पता है हम सब यहाँ कितने परेशान हो गए थे? बेटा, आपको कहीं लगी तो नहीं था? आप ठीक हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। बाबू कब का घर आ गया था? गंदी वाले को इतना दौड़ाया कि मैं खुद ही थक गया, तो घर आके सो गया। हसन रानी, आपका लाख लाख शुक्र है। हनुमान बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ गया। कौन लेके आया है और तुम मुझसे पहले इस घर में कैसे पहुँचे? आप तो मुझे लेके आए थे, गद्दी वाली आंटी सब भूल जाती है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। पहले मैंने तुम्हारी आँखों पे पट्टी बांधी, फिर तुम्हें बीच सड़क पे छोड़ा ताकि तुमसे पीछा छुड़ा सकूँ। एक छोटे बच्चे को तुमने बीच सड़क पे छोड़ दिया, उसे मरने के लिए तुम्हारी आत्मा नहीं काफी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।